हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ बजट 2018-19 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आगामी एग्जाम के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 क्वेश्चंस है ये टोटल, जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं आपके लिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ हर मंथली, क्वार्टरली, आफिरली, ईयरली एक जो करंट अफेयर है उसके वीडियो। तो आगे के हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा और घंटी बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्विज है हमारी 2022 यानी 2022 तक किसानों की आमदनी को कितना करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। तो ये है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दुगना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्विज है हमारी 5G, यानी कि अभी 4G चल रहा है, आप सभी को पता होगा। 5G जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए स्वदेशी स्टेट बैंड जो है यहाँ कहाँ पे खोला जाएगा, एक स्वदेशी बैंड बनाया जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी है प्रौद्योगिकी उसके लिए, वो इंडिया में कहाँ पे बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा दोस्तों चेन्नई में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर चुने गए इस बजट के अंदर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 99 शहर इसमें चुने गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्विज है रेलवे के लिए कितना बजट रखा गया है इस बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 1,48,000 करोड़, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्विज है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए कितना फंड रखा गया है इस बार। तो आंसर हो जाएगा आपका 1400 करोड़, ठीक है, 1400 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पे क्विज है हमारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्लस्टर विकास योजना, बी वाला राइट आंसर होगा आपका। मैं आपको यहाँ पे स्लो स्लो आंसर बता रहा हूँ, इससे पहले आप अपने मन में गेस कर सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा, इससे आपका जो है IQ बढ़ेगा, इजीली आपको सही तरीके से याद रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उड़ान स्कीम के तहत कितने नए एयरपोर्टों को जोड़ा जाएगा इस बजट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 56, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बेंगलोर मेट्रो नेटवर्क के लिए कितना बजट पास हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला 17 करोड़, 17 करोड़ रुपए का बजट जो है बेंगलोर नेटवर्क के लिए, मेट्रो के लिए पास किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उड़ान स्कीम के तहत कितने नए हेलीपैड को जोड़ा जाएगा। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था जो वहाँ पे एयरपोर्ट, कितने एयरपोर्टों को जोड़ा जाएगा, 56। अगर हेलीपैड की बात करें, हेलीपैड क्या होता है, जो वहाँ पे जहाँ पे जो एरोप्लेन वगैरह लैंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए कितने हेलीपैडों को जोड़ा जाएगा, टोटल हेलीपैडों को जोड़ा जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा 31, ठीक है। देखिए इससे पहले यहाँ पे नेक्स्ट क्विज है हमारी डिजिटल इंडिया के नाम कितना बजट रखा गया। तो डिजिटल इंडिया काफ़ी पॉपुलर अभी इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए कितना बजट रखा गया, 373 करोड़, बी वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिजिटल इंडिया के नाम कितना बजट रखा गया, अच्छा ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये 373 करोड़। नेक्स्ट की विच है हमारे यहाँ पे कृषि उत्पाद कंपनियों को टैक्स में कितनी छूट दी गई। तो कृषि उत्पाद कंपनियों के लिए जो टैक्स में छूट दी गई है वो दी गई है दोस्तों 100%, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि वजह हमारी 250 करोड़ है ये, ठीक है, रुपए तक के टर्न ओवर पर कॉरपोरेट टैक्स जो है वो कितना परसेंट लिया जाएगा। जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 250 करोड़ तक अगर कोई टर्न ओवर है किसी का तो उस पर कितना परसेंट लगेगा, 25%, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उपराष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाकर कितनी कर दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बनेगा यहाँ से, ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो ये जो सैलरी अब नई हुई है उपराष्ट्रपति की वो कितनी कर दी गई है, 4 लाख, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वित्त वर्ष 2018 का वित्तीय घाटा कितना रहने की संभावना। तो ये होगा दोस्तों राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन, 3.5%। नेक्स्ट क्विज है यहाँ पे नया बजट सिस्टम 2018 कब से लागू होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2018 का जो नया बजट अभी जो सिस्टम हो लागू कब से होगा, 1 अप्रैल से, राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हेल्थ एजुकेशन सेस बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। जो हेल्थ और एजुकेशन सेस वो बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, कितना परसेंट कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4%, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है।
तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 20%, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्विज है यहाँ पे, शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई? ग्रो इंडिया, राइज, मेक फ्यूचर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा राइज वाला, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राइज जो है पहल की शुरुआत की गई है एजुकेशन फील्ड में इंक्रीजमेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट क्विज है यहाँ पे, पशु व मछली, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसटाइपिंग हो गया, ये वह है, पशु व मछली पालन के लिए कितना फंड रखा गया है इस बजट के अंदर? आपका आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्विज है यहाँ पे, बजट 2018 के तहत कितने मेगा फूड पार्क बनाने के लक्ष्य रखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर होगा आपका 41, 41 मेगा फूड पार्क जो इस बजट के तहत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सिंचाई योजनाओं के लिए कितना आवंटन किया गया है? सिंचाई योजनाओं के लिए कितना जो फंड है वो रखा गया है? आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, 2600 करोड़ रुपए का जो है बजट सिंचाई योजनाओं के लिए रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्विज हमारी, बजट 2018 की सबसे अहम योजना कौन सी है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो है इसी बजट के अंदर जो है अनाउंस है, तो उसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान प्रोग्राम। इसके तहत दो महत्वपूर्ण योजनाओं का जो है शुभारंभ किया गया है। ये सारी डिटेल्स में देखिए, अभी जो फरवरी का करंट अफेयर में लास्ट में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, उसमें इन सारे को डिटेल्स बताऊँगा, सभी जितनी भी योजनाएँ बनाई गई है वो किससे रिलेटेड है, क्या उसमें होता है, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं कि जनवरी का करंट अफेयर डाल दिया मैंने, दिसंबर पिछले 3 महीने का भी डाल दिया, सब कुछ यहाँ पे लास्ट 2017 का पूरा करंट अफेयर भी डाल दिया, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा आयुष्मान प्रोग्राम, इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितना आवंटन रखा गया है? ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितना बजट जो है रखा गया है? आंसर हो जाएगा 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ जो है किसके लिए रखा गया है? ऑपरेशन ग्रीन के लिए बजट रखा गया है। इस बार बजट में नया रेल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्तावित किया गया है, एक बार एक नया रेलवे यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है, यह कहाँ पर बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका वडोदरा, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद। तो राइट आंसर होगा वडोदरा, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हर गरीब का अपना घर होगा, यह लक्ष्य कब तक पूरा होगा? गवर्नमेंट ने कहा कि हर गरीब का जो है इस बजट में कहा है कि अपना जो है खुद का घर होगा, तो कब तक ये लक्ष्य जो है हो जाएगा पूरा? 2020, 21, 22 या 23? तो आंसर हो जाएगा आपका 2022, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, पीएम आवास योजना के तहत इस साल कितने नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है? जो कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा आपका 51 लाख, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पीएम सौभाग्य योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? पीएम सौभाग्य योजना चल रही है, आपको पता होगा, इसके बारे में मैंने बता भी दिया पहले, तो इसके लिए कितना बजट रखा गया है इस बार? आंसर हो जाएगा आपका इसका ए वाला ऑप्शन, 16,000 करोड़ इसका बजट रखा गया है इस बार। ये वैल्यू जो है आप देख रहे हो, यही पूछी जाती है डायरेक्ट एग्जाम्स में, तो ये वैल्यू जितनी भी है ये आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रत्येक परिवार को कितना जो है हेल्थ बीमा देने का लक्ष्य इस बार रखा गया है इस बजट में? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 लाख रुपए, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेल्थ केयर जो बीमा है उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर आपका हो जाएगा 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था है भारत की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 35,000 किलोमीटर नई सड़कों का जो है निर्माण अभी इस बजट के तहत जो है रखा गया है, अब निर्माण करा जाएगा, और इसके लिए कितना बजट रखा गया है? तो इसके लिए जो निर्माण के लिए जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 5.30 करोड़ रुपए, ये वाला आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे, राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? उपराष्ट्रपति की हमने देख ली ऊपर, आप पता चल गया आपको। अब राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, तो राष्ट्रपति की सैलरी भी इस बजट के अंदर बढ़ाई है, और ये कितनी कर दी गई है? राइट आंसर होगा आपका 5 लाख, ए वाला ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे महिलाओं के लिए पीएफ कटौती कितनी रखी गई है, महिलाओं के लिए जो पीएफ कटौती जो अब रखी गई है वो कितनी रखी गई है, कितने परसेंट रखी गई है। आंसर हो जाएगा आपका राइट सी वाला ऑप्शन, ठीक है 8%। नेक्स्ट यहाँ पे क्विज है हमारी, युवाओं के हित में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है इस बजट के तहत। आंसर हो जाएगा आपका राइट, देखिए स्टार्टअप इंडिया है, युवा कौशल, युवा विकास, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा आपका ए वाला स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट क्विज है यहाँ पे, सड़क निर्माण के तहत कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई, भारतमाला, भारत निर्माण, नया भारत, हर गांव सड़क। आंसर होगा आपका राइट ए वाला भारतमाला, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पूरे कंप्लीट क्विज जो इस वीडियो में हमने डिस्कस की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और हाँ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अभी के लिए इतना ही।